Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the time period of simple pendulum. तो देखिएगा सरल लोलक के आवर्त काल के सूत्र का व्यंजक कर रहे हैं, निगमन कर रहे हैं. तो ये कोई दृढ़ बिंदु है, इससे एल लंबाई के किसी धागे से एम द्रव्यमान का कोई लोलक लटका हुआ है. इसको हमने बल लगाकर कुछ विस्थापित कर दिया. यहाँ ये एल लंबाई है तो ये थीटा कोण बनाएगा और इस जगह हम अगर भार के घटक करते हैं तो ये थीटा ही रहेगा, संगत कोण बराबर होते हैं. तो एम जी कॉस थीटा और ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा. ठीक है ना, ये वो बल है प्रत्यानयन बल की तरह कि जो इसको हमेशा वस्तु को या लोलक को साम्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है. ध्यान दीजिएगा, माना कोई लोलक जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, l लंबाई के किसी डोरी से किसी दृढ़ बिंदु s से लटका हुआ है. इसे हम x विस्थापित करके दोलन कराना प्रारंभ करते हैं. तो जब x विस्थापित करेंगे तो इसके भार के क्षैतिज और ऊर्ध्व घटक क्रमशः एम जी कॉस थीटा तथा एम जी साइन थीटा प्राप्त होते हैं, जिसमें एम जी साइन थीटा बल हमेशा लोलक को साम्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है. इसलिए एफ इक्वल टू होगा माइनस एम जी साइन थीटा. ठीक है ना, अब इससे देखिएगा इस ट्रायंगल से साइन थीटा का मान कितना होगा. ध्यान रखिए ये धागा जितनी लंबाई का है उतना ही रहेगा, फ्लेक्सिबल नहीं है कि खींच करके इसकी लंबाई बदल जाए. तो ये है साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण. ठीक है, तो एफ इक्वल टू हो जाएगा एम जी साइन थीटा. इसको हमने समीकरण एक मान लिया. अब यहाँ पर जहाँ एफ इक्वल टू एम इंटू अल्फा है और साइन थीटा की वैल्यू हमने x अपॉन l निकाल ली है, तो समीकरण एक से अब ये मान समीकरण एक में रख देते हैं. तो देखिएगा ये आएगा m अल्फा इक्वल टू एम जी x अपॉन l. तो m से m कैंसिल हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू जी x अपॉन l या l अपॉन g इक्वल टू x अपॉन अल्फा और दोनों ओर वर्गमूल कर दीजिए. वर्गमूल लेने पर तो ये आ जाएगा अंडर रूट एल अपॉन जी और ये अंडर रूट एक्स अपॉन अल्फा, यानी अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन. ये लिखा है डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन, जिसे हम विस्थापन बटे त्वरण भी बोल सकते हैं. और इसका मान हमने पीछे निकाला था एल अपॉन जी. ठीक है ना, तो देखिएगा एक बार रिपीट कर रहे हैं. माना एम द्रव्यमान का कोई लोलक जिसे एल लंबी डोरी से बांधकर किसी दृढ़ बिंदु एस से लटकाया गया है और कुछ एक्स विस्थापित करके दोलन प्रारंभ कराया गया है. तो इसके भार के क्षैतिज और ऊर्ध्व घटक ये होंगे एम जी कॉस तथा एम जी साइन थीटा, जिसमें एम जी साइन थीटा बल हमेशा वस्तु को साम्य स्थिति की ओर लाने का प्रयत्न करता है. एफ इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा, क्योंकि बल विस्थापन के ऋणात्मक मान के समानुपाती होता है. तो ये आएगा यानी प्रत्यानयन बल की तरह. तो एफ इक्वल टू एम जी साइन थीटा, इसका परिमाण मान ज्ञात करेंगे क्योंकि आवर्त काल निकाल रहे हैं. एफ का मान एम अल्फा और साइन अल्फा का मान इस त्रिभुज से एक्स बाई एल दोनों मान समीकरण एक में रख देंगे तो ये आ जाएगा. हमने एल बाई जी एक तरफ कर दिया, दोनों ओर वर्गमूल कर दिया तो ये आया. अब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो देखिएगा ये आ जाएगा या अंडर रूट एल अपॉन जी इक्वल टू ये आ जाएगा टी अपॉन टू पाई, इसका मान होता है. तो टी इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी ये आ जाएगा. ठीक है, आवर्त काल जहाँ जी वृत्ती त्वरण है और एल जो डोरी की लंबाई थी. यहाँ इसको अगर आप सॉल्व करते हैं टी स्क्वायर इक्वल टू फोर पाई स्क्वायर एल बाई जी, तो एल का मान हो जाएगा जी टी स्क्वायर अपॉन फोर पाई स्क्वायर और पाई स्क्वायर का लगभग मान 9.85 आ जाता है, 3.14 का होल स्क्वायर. तो आप डायरेक्ट इनका यूज कर सकते हैं. ठीक है ना,
यहीं पर सेकंड लोलक अगर इस्तेमाल होता है तो सेकंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, 2 सेकंड होता है। यानी एक ऐसा लोलक जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड हो उसे हम सेकंड लोलक कहते हैं। तो इसके हिसाब से अगर सेकंड लोलक की लंबाई देखें तो कितनी हो जाएगी, तो देखिएगा सेकंड लोलक के लिए, तो सेकंड लोलक के लिए T का मान 2 सेकंड हो गया, ठीक है ना। जी का मान 9.8 ये होता है, तो L इक्वल टू जी टी स्क्वायर अपॉन 4π² तो L इक्वल टू 9.8 इंटू टी स्क्वायर 2π² अपॉन 4 इंटू पाई स्क्वायर का मान 9.85 तो L इक्वल टू 9.80 इंटू 4 अपॉन 4 इंटू 9.85 तो ये आ जाएगा 980 अपॉन 985.99 लिखते हैं। L इक्वल टू 0.99 मीटर या अप्रॉक्स 1 मीटर लिख देते हैं। ध्यान रखिएगा सेकंड लोलक के लिए अगर सामान्यतः लंबाई देखें तो 1 मीटर होगी डोरी की लंबाई। तो इस तरीके से देखिएगा T इक्वल टू 2π√L/g हमने ये फॉर्मूला निकाला था सेकंड लोलक के आवर्तकाल के लिए। आगे हम सॉल्व करेंगे, टी स्क्वायर अगर वर्ग कर दें तो 4π²L/g, तो L का मान इससे निकाल दिया ये, और पाई स्क्वायर का सीधे मान आप उपयोग करिएगा 9.85। सेकंड लोलक क्या होता है, एक ऐसा लोलक जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड होता है उसे सेकंड लोलक कहते हैं। तो अब हमने क्वेश्चन लिया अगर कि सेकंड लोलक के लिए डोरी की लंबाई कितनी होनी चाहिए या कितनी होगी, तो देखिएगा सेकंड लोलक के लिए आवर्तकाल 2 सेकंड होता है, जी का मान हम जानते हैं 9.85, एल इक्वल टू जी टी स्क्वायर अपॉन 4π² इस्तेमाल किया तो जी का मान टी 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा अपॉन 4 × 9.85, 4 से 4 कैंसिल आउट, दोनों दशमलव हट जाएंगे, 980/985 लगभग 0.99 मीटर या अप्रॉक्सीमेटली जिसको हम 1 मीटर के तुल्य लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम सेकंड लोलक के में उपयोग हुई डोरी की लंबाई का मान भी ज्ञात कर सकते हैं जिसका मान लगभग 1 मीटर के तुल्य प्राप्त होगा। ओके।